सब संगवारी मन ल जय जोहार। बहुत किसान मन ए साल तरबूज खरबूज की खेती करत हैं, तो मैं किसान ल थोड़ा सा बता देना चाहत रहे कि खासकर जो तरबूज लगाए हैं और पिछले साल बहुत अच्छा रेट आ रही से, लेकिन ये साल भी पता नहीं का रेट आते, लेकिन किसान ल अपन के पैदावार अच्छा लेना है तो मुख्य रूप से हमला ध्यान देना चाहिए। जैसे हमार तरबूज है 3-4 पत्ती के होते तो पत्ता सिकुड़े चालू हो जाते, ओकर बापला प्रबंधन करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। और साथ ही जैसे हमन शुरुआत के फल अगर 3-4 फल्लेदार आते तो वही में हमारे बहुत अच्छा कमाई होते और बहुत अच्छा रेट आते, लेकिन जब भी फल लगे के चालू होते तो किसान मन ला समस्या बहुत आते। एमा काय का समस्या आते मैं बताता हूँ। एक तो पौधा अच्छा से शुरुआत में ग्रोथ नहीं करे, ऊपरी भाग जले जले का दिखते छोटेच में, और साथ में अच्छा से कंसर नहीं पाए, जबकि ज़्यादा ब्रांच चाहिए उतनी उम्र ज़्यादा फल लगते, और छोटे छोटे जब फूल लगते तो सूरज में फूल झड़ जाते, या छोटे छोटे फल आते तो फल गले के समस्या आते, नीचे नीचे सड़ जाते, और थोड़ा साइज बड़े होते तो फल फटे के समस्या आते, फट जाते कई चीज के, तो बड़े बड़े फल मन भी ऑटोमेटिक फट जाते। और जब फल हमन बाज़ार में ले जाते हैं तो चीक के देखते हैं, ओकर बाद ही ओकर मोल भाव करते हैं, भाई अच्छा स्वाद है तो एक अच्छा रेट होना चाहिए। तो कई चीज के में स्वाद भी अच्छा नहीं आए, कई चीज के फल के जो साइज बड़े नहीं होए, और कई जी के जो शुरुआत के फल है बड़े होते लेकिन बाद के जो 3-4 फल रहते वह भी साइज है छोटे हो जाते, जेकर कारण से किसान उत्पादन नहीं ले पाए। और जब भी वो फल बड़े साइज होते तो सामने के जो पत्ती रहते वो जले का पूरा दिखाई देते, और नया जो पत्ती रहते वह अच्छा से ग्रोथ नहीं करे। जब भी हमार तना मजबूत रही, पत्ता चौड़ा रही, हरा भरा रही, अच्छा से पौधा में ग्रोथ रही, तब हम अगर अच्छा फल ले सकत हन और अच्छा उत्पादन ले सकत हन और फल के संख्या भी ज़्यादा ले सकत हन। और कई किसान मन देखता कि फल तो बन जा रहे थे लेकिन वाला कई चीज़ के फल ला कीड़ा खा देते, तो कीड़ा के वजह से भी हर सड़ जाते, तो ये सारा समस्या किसान कर रहे थे। तो एकर मैं समाधान आप लोग बताना चाहता हूँ।